असुरक्षित शिमिलपाल सक्रिय शिकारी वन्य जीवजंतु शिकारी लोलुप दृष्टि त्राही पाउन बेले एवं वर्ण कर्मचारी असुरक्षित अटंती सामना को आसी शिकारी गुड़ी में वन कर्मचारी मृत्यु भली घटना जहाँ शिमिलपाल बोधे जहाँ शिमिलपाल अबाध पशु शिकार चली स्पष्ट करोकबार समर्थ हो पार वन विभाग आउ शिकारी सामना कले घटू अभावनीय घटना शिकारी गुड़ी में फॉरेस्ट गार्डन मृत्यु घटी शिमिलपाल बाघ्य संरक्षण प्रकल्प दक्षिण वन्यप्राणी वनखंडर बांगिरीपोषी रेंज चाकड़ीबीट अंचल घटी यही घटना मृत फॉरेस्ट गार्ड हेले विमल कुमार जेना घटनास्थल बांगिरीपोषी पुलिस और वन कर्मचारी पहुंची तदंत आरंभ कर सूचना अनुसार शिकारी एक कुटुरा शिकार कर समय शिकारी घोड़ाइवा को जा फॉरेस्ट गार्ड उपरकू शिकारी पलटा गुड़ कर एवं यही घटना संध्या समय घटी कथा सूचना देखते परिवार लोके सेपटे घटना संपर्क में खबर पाई पुलिस एवं वन विभाग बारीपदा पीआरएम मेडिकल पहुंची थे तेरे मृतकों परिवार को भेटा पर गणमाध्यम सम्मुखें मुह खोली क्षेत्र निर्देशक निर्देशकों कहवा अनुजाई शिकारी पूर्व शिमिलपाल लगातार भाव शिकार कर आज मध्य शिकार करने आसीबार पूर्व सूचना विभाग अधिकारी सूचना मिलता तेणु वन विभाग कर्मचारी पेट्रोली कर समय शिकारी सामनासामनी होवर यह गुड़िकाण्ड घटी हेले सब बड़ कथा है वन विभाग पूर्व यह सूचना को हेला भाव ग्रहण करमचारी वन कर्मचारी कौन आत्मरक्षार व्यवस्था नद पेट्रोलींग पठाई देते जहाँफल आज जड़े वन कर्मचारी जीवन हारे बोली पूर्वतन एक्स वाइल्ड लाइफ वार्डेन भानुमित्र आचार्य मृत वन कर्मचारी विमला जेना पर जनक तुरंत विभाग ने निजुक्ति पर्याप्त क्षतिपूरण जगै देवाक दाबी होन्यपटे यही घटना को नहीं पुलिस एवं वन विभाग आग को कि प्रकार पदक्षेप ग्रहण कर देखा बाकी रहा शुणु यहाँ बहुत दुखर कथा बारंबार आपण मन को मीडिया थ्रु रे भी कही आज भी कहूँ एमाने अधिकारी जमारु भीतर को जाऊना आउ प्राक्टिकल होना आज जो घटनाटा घटला यहाँ हे तो हो न था कारण 11:23 रे मो फिल्ड डायरेक्टर को फोन करके शिकारी विषय जनईली कलकाटा रू तीन जन लोकल पोचर सांगे मिसिकी बंदूक नहीं कि जाऊँच हाथी शिकार करते फिल्ड डायरेक्टर थटार उड़ेलार मो कथा कहले ताले प्रत्येक हाथी पछरे मु स्टाफ छाड़ी देउची दंता हाथी पछरे मु स्टाफ छाड़ी देउची जदि मु जो कहली नौना साउथ को आउ पिठाबटा रेंज को आपण एक्टिवेट कर दिंतु से सर्च करेंगे ताले शिकारी धरा पड़जे से हसीदेले हसी दे कहला ना ना मुझे हाथी पछरे स्टाफ छाड़ू मुझे कहली नहीं कारण अधिकारी से ना जदि आज से मो कथाटा को मानिकी आज स्टाफ मुवमेंट करते ताले हुए तो यही दुर्घटनाटा हो न था अधिकार स्टाफ थिले 11-15 जन शिकारी बंदूक नहीं अच्छा माने 30-40 स्टाफ थी दरकार विथ वेल इक्विप्ड करना कारण तेहर गुड़ बाजन ना गुड़ीटा बाजू से फिल्ड स्टाफ फ्रंटलाइन स्टाफ उपरे तेणु आज्ञा अथॉरिटी को एब्सोल्यूट दायी करी तांकरी मनोमुखी शासन पाई खामखेली पाई जो गोटे विराट पदवी में बस मने मने जमती जंगल जंतु सब कथार अधीन चलिए से जो मनोवृत्ति से आज शिमिलपाल तल को जा लास्ट गार्ड मान भी जीवन तल को चलीगला घटना घटी जानी मुझे डाउट्रेनि जन तो थे मत हजबैंड फोन कर कहले मुसुदी ती दी जन पा को लेकिन रेंजर सार को फोन करमी कौन काम विषय कौन आईली तीन शिकारी पाइली टर्निंग पड़गली हाबड़े तो मुझे आसीच्ची से मैंने जिनस पत्र कौन पकई पलैंती
ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ତମେ ଫରେଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ ଦିଅ। ମୁଁ ନିଜେ ଭିଏଚ୍ଏଫ୍ରେ ମେସେଜ ଦେଇଛି 4:45 ହଜାମକୁ, ଫରେଷ୍ଟର ବାବୁ ଆଉ ନିହାତି ଫୋନ କରିବେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ବାବୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସିଏ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତୁମକୁ ଜଣଉଛି କଣ କରାଯିବ। କଥା ତ ମୁଁ ହଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ଫୋନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ପଳେଇଲା, ବର୍ଷା ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଆସିଲାଣି ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ପଳେଇଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ। ଜରନ୍ଦା ବିଟେ ରୁହେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ହେଇଛି ଏ ଘଟଣା। ମୁଁ ନଥିଲି, ଛୁଟି ଥିଲି, ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା 5:00 ଏ ଘଟଣା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତମେ ଯାହା ବି କରୁ, ଏବେ 4:00 ବାଜିଲା, କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋ ଭେଣୀ ଆଜି ମରିଲେ। କେବେ ଗୋଟେ ବି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁନ, ନା ଡିଡି ଅଛି, ନା ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ଅଛି, ନା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଅଛି, ନା କିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣକ ଜୀବନ ଗଲା। କେହି ଅଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଖବର ସେଠି ଭିଟୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଛୁଆମାନେ, ପିଏ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଏମିତି ତୁମ ଭେଣୀ ଦେହର ଗୁଳି ବାଜିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛେ। ନେଇକି ଯାଉଛେ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ବି ସେଠି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଶିକାରୀମାନେ, ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ମୋ ତୁଳନାର ଶିକାରୀମାନେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେଠି ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ, ସେମାନେ ଜୁମା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜୁମା ହେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ଭେଣୀ ମଳ, ତାହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କି ଦମ ଅଛି? ଛୁଆ କାଙ୍ଗାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବିମଲ କୁମାର ଜେନା, ତାଙ୍କର ଗୋଲି ପୋଚର ମାନେ ଗୋଲି ମାରା ହେଇଥିଲା ଚେଷ୍ଟରେ। ଆମର ଯେଉଁ ସିମିଲିପାଲ ସାଉଥ ଡିଭିଜନ ଆଉ ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ବଂଶ ଖୋଲ ବିଟ୍ରେ ସେ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲା। 4 ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆଉ ଏମାନେ ଥିଲେ ପୋଚର ମାନେ କୋଟରା ଗୋଟେ ଶିକାରୀ କରିକିରି ଥିଲେ, ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଲା, କୋଟରା ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଲି ମାଡ଼ ହେଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା। ଆଉ ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ହେଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମୋତେ ପାଖାପାଖି 7:00 ବେଳେ ଫୋନ ଆସୁଛି। ଆମର ସିମିଲିପାଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାରୀ ପଶୁଛନ୍ତି ହେଲା, ନୂଆ ଖବର ନାହିଁ। 2-3 ତଳେ ଜେନାବିଲରେ 7 ଦୌଡ଼ିଲେ, ଗତକାଲି ଭଞ୍ଜବାସରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଶିକାରୀ ଗନ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରା ପ୍ରିକସନରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।